हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज हम एक ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कुछ में से आप लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा शायद, कि फास्ट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। फास्ट से हम अपनी बॉडी को उस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से हम दवाइयाँ खाकर भी नहीं कर सकते। सो फास्ट हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये वीडियो में हम बताएंगे आपको। पूरा फैक्ट जानेंगे कि फास्ट के पीछे का क्या रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है और फास्ट आपकी बॉडी को कैसे ठीक रखता है। सो गाइज, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, पुराने ज़माने से व्रत को एक रिचुअल्स के साथ जोड़ दिया गया है, रिवाजों से जोड़ दिया गया है, ताकि लोग व्रत रहें और अपनी बॉडी को ठीक करते रहें टाइम टू टाइम। सो फास्ट रहने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं डे बाय डे और उसकी एजिंग को कम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सो गाइस, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारा खाना सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारी एनर्जी जाती है। अब जब हम डेली खाना खाते हैं, दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं, स्नैक लेते हैं, तो दिन की सारी एनर्जी इसी काम में चली जाती है कि खाने को ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना। और बाकी की जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी की कुछ सेल्स होती हैं जहाँ पर रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि रिमूव आउट नहीं हो पाते, तो इन सब के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एनर्जी मिलती है तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, हम डेली खाना खाते हैं उससे वो सारी एनर्जी उसी में चली जाती है और इन सब के लिए हमको एनर्जी नहीं मिल पाती। और हम व्रत रहते हैं, व्रत रहने में क्या होता है, हम खाना तो खाते नहीं हैं तो हमारी एनर्जी सारी बच जाती है और वो बची हुई एनर्जी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज आउट करने में जाती है। और हमारी बॉडी में जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई होना, लो होना, ब्लड शुगर की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है बॉडी अपने आप को रिपेयर करती रहती है और इन सबसे छुटकारा आपको देती है। तो व्रत रहना आपको पता है कितना ज़रूरी हो सकता है आपके लिए, दवाइयों से भी